और हमारा जो भी किसी ने कोई भी चीज़ जैसे कोई पूछता है तो मैं बताता हूँ फाउंडेशन की किसी को हल्दी कार्ड पा जाए ना वो क्या कहेगा मेरे जितना बड़ा पंसारी नहीं। और आप देखते हैं कमी अपने हमारे अंदर भी कमियां हैं, सभी के अंदर कमियां हैं, इलेक्ट्रॉन गति के अंदर ऐसी बात नहीं, वो चीज़ को भी आप छुपाते हैं। छुपाने का अर्थ है कोई भी पेशेंट ठीक हो गया फार्मुलेशन से तो वो फार्मूला उसको दो, आयुर्वेद क्यों बढ़ी आगे, एलोपैथी क्यों बढ़ी है, उनका फार्मुलेशन एक जैसे होती है। तो जो हम जो भी फोटो मारा सबसे अच्छी तो हमें एक टीम का ठीक करो, टीम का अर्थ है आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है डॉक्टर समुंदर है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने हमारे इलेक्ट्रोपैथी के स्टूडेंट हैं या हमारे डॉक्टर हैं तो उनको हमें जोड़ना है डिस्ट्रिक्ट वाइज। देखो पहले कहाँ से जुड़ता आदमी, अपने गांव से, गांव से किससे जुड़ा ब्लॉक से, ब्लॉक से किससे जुड़ेगा डिस्ट्रिक्ट से, फिर स्टेट से, और जब स्टेट बन गए देश बन जाएगा। हम इनके ऐसे नहीं होता तो हमें धीरे 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 जितने भी है उनको अपनी तरफ ले आना सभी। हाँ जो इस भार को उठा रहे हैं जो मैंने जो क्लियर जो बात की है वो एसोसिएशन जो प्रतीत कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे हम लिखते हैं भाई हमारा भार वजन उठा कर वहाँ तक आपने पहुँचा। वही पॉलिटिकल जैसे बात आती है तो पॉलिटिकल जितने भी जैक हैं सभी के पास छोटे मोटे जरूर हैं, परंतु आने वाले समय में हमारे पास वो भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमने वहाँ तक पहुँचाया है इसको, तो वो ठीक करके ही दिखाए हैं कि वाकई में ये चीज़ है कि नहीं, उन्हें हमें मानना है। तो ऐसी चीज़ें जब तक देखो रामदेव था उन्हें गाँव गाँव जाकर फिर देखो वहाँ से आप यूनिवर्सिटी खड़ी करें, तो हमें अपने छोटे छोटे कैंपों के जरिए लोगों को भी जागृत करना भाई ये चीज़ है। ये मत समझो कि भाई 114 ही प्लांट है, मैं ये कहता हूँ नहीं है, हमारे इंडिया के अंदर 80 ही प्लांट है, मैं हमेशा 70 बोलता हूँ। जो अपने आसपास जितने प्लांट खड़े हैं क्या ये 80 से ऊपर नहीं है और सबसे बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आप ही पे भी रिसर्च करो, स्पेजरिक एसेंस स्वयं निकालना सीखो। जब तक हमारे ऊपर सैम से गोली चलाना नहीं सीखेंगे ना और दूसरे के कंधे पर बंदूक रखेंगे तो हमें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो हमें एक अच्छी सी टीम गठित करेंगे और एक अच्छा जिसको जितना भी है एक हम बढ़ाएंगे तो एक जैसे सप्ताह में या 15 दिन में हमारी एक क्लास हो, किसी के पास कोई मरीज आता है तो देता है भाई इसको हमें क्या देना, आपने डिजी ठीक की तो आपने इसको क्या क्या दिया, वो सत्य बताए, झूठ नहीं बोलना कभी। और जो इस तरीके से ये लुप्त हो जाएगी एक जैसे आज आयुर्वेद लुप्त हो तो होगी नहीं, और धीरे धीरे इसका तो तनाद आ रही क्या कुछ भी नहीं, और कभी किसी को कहा नहीं बोलना मेरे ये कर दिया हम लोग कर दे बिल्कुल नहीं, कुछ भी करने वाला नहीं, वो सिर्फ परमपिता परमेश्वर है जो आपको एक मिनट में पता हिला सकता है, वो एक जगह खड़ा कर। तो हमें प्रकृति से मिला है परम पिता परमेश्वर ने, कभी भी उस प्रकृति के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जितने हो सके ज्यादा ज्यादा मेडिसिन प्लांट अपने घर में भी लगा करो, केपीएसएस आप निकाल सकते हैं। हर एक के अंदर गुण है, क्या एक एक इंसान के अंदर एक जैसे गुण है, सब टाइप ऑफ क्या है सबके नेचर, और सभी प्लांटों के अंदर क्या है सभी डिफरेंस है। आप 3 प्लांट से 4 से 5 से मिक्स करके दवाई कंपाउंड बना हुआ निश्चित बना रहे हो आप, महात्मा कौन सीजन बैठी नहीं क्या थे, उन्हें कभी भी लागत नहीं किया और आज वो बैठी कहाँ पर है दर दर पर। अब जो होम्योपैथी थी वो हमेशा क्या है इसी पैथी के ऊपर आगे उलान थी, उन्होंने बाय केमिकल को खाया बैच फ्लावर को खाया, खुद एक सिंगल प्लांट को नहीं जान पाया, उनके अंदर एक सिंगल प्लांट साइन और सिम्टम पर देने का होता है, वो एक किस्म आगे हमारी इलेक्ट्रोपैथी वो भी कंपाउंड देने लगे 8, 8, 10, 10 प्लांटों का कॉम्बिनेशन देते हैं, और उन्होंने क्या किया उन प्लांटों को छोड़ दिया जो हमारे क्षेत्र में जैसे अश्वगंधा सीतावर है दूसरी है बड़ है पीपल है गुजर है जितने भी हमारे पास है उन्हीं की क्या करने को दें मदद की। अब जब
देखो कितनी स्पीड से वर्क कर रहे हैं, हम कितने मूर्ख हैं जो हमें ऐसा स्टैंड मिला, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, बर्बाद करते हैं। तो इससे हम तो यही है, हमें आने वाले समय में एक जो है सेमिनार करेंगे अच्छा सा, जिसके अंदर आपकी बात तो हमने एक दो को ही सूचित किया, जो हमारे आज के दिन 250-300-500-700 स्टूडेंट हैं जो हमारे से पढ़े भी हैं और प्रैक्टिस में भी हमारे से अच्छे हैं, और हमेशा ये सोचो कि मेरे से ये ज़्यादा बढ़ के देखा है, कभी एक दूसरे की काम मत किया, आपका आपको सत्य बताना वैसे झूठ नहीं बताना, हृदय के अंदर एक कैसा नहीं पवित्रता रहेगी, हमेशा ना डर रहेगा ना कोई भूत रहेगा, और तो छुपा छुपा कर कोई बात करता हो आगे नहीं बढ़ेगा, ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसके जो है प्रेसिडेंट कौन है डॉक्टर साहब बताओ, ये जो है हमारे प्रेसिडेंट है नए एसोसिएशन, और ये आपको लेक्चर में देंगे, जो आप यहाँ अपना श्री महात्मा किशन देव दुधारी के नाम से जो इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, ये एक रिसर्च सेंटर है उनके नाम से, ये आज जो प्रण लेंगे वो सत्य प्रण लेंगे आपके आगे कि ये एसोसिएशन को कभी डगमगा नहीं, हाँ हमेशा इसको चलाने की ही कोशिश ये करेंगे, और आपको ये लेक्चर रूप में देंगे, कभी भी इनके ऊपर आपको बहुत छोटे कहेंगे, जैसे जैसे हमें गाइडलाइन मिलेगी वैसे वैसे हम इनको बताएंगे, भाई आप देखो सभी इसके अंदर प्रेजेंट है, ये नहीं ये है, हमने एक मुखिया चुन लिया, सरकार ने एक मुखिया होता है, परंतु उस मुखिया के तरीके से